सुनील कुमार शर्मा। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 जीव विज्ञान के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें दूसरा पाठ है पौधों तथा जंतुओं में जनन। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे पौधों तथा जंतुओं में जनन। जनन सबसे पहले हम जानें कि जनन क्या है। जनन, जनन का अर्थ होता है अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अंडाणु व शुक्राणु के आपस में मिलने से प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। समझ में आई बात? तो जनन आप जान गए कि जनन क्या है। अंडाणु तथा शुक्राणु के आपस में मिलने से जायगोट का निर्माण होता है और उसके बाद जायगोट विकसित होकर के शिशु का निर्माण करता है। लेकिन हमको पढ़ना है पौधों तथा जंतुओं में जनन, तो हम जानेंगे पौधों में जनन कैसे होता है। पहला है पौधों में जनन, पहला है अलैंगिक, अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। तीसरा है कायिक जनन। पौधों में तीन प्रकार से जनन होता है। पहला कायिक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अर्थ यह होता है कोई एक ही जीव भाग लेता है, कोई एक ही मेल या फीमेल भाग पौधे लेते हैं, उन्हीं से जो है यह क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से यह ज्ञात होता है कि जो है इसमें दो लिंग भाग लेते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तीसरा है कायिक जनन। कायिक जनन का अर्थ यह होता है कि पौधे की किसी भाग से, पत्ती हो, तना हो, उसके किसी भाग से हम नए पौधे को विकसित कर सकते हैं, नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। अगला है पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन, पहला बारी बारी से हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। पहला विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। विखंडन का अर्थ यह होता है टूटना। विखंडन का अर्थ यह होता है टूटना। यह टूट करके एक या दो या कई भागों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो इस तरह से जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ में, जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ में इस प्रकार का जो है विखंडन होता है। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा आता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह इसका कोई आकार नहीं होता है। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी है। इसका कोई आकार नहीं होता है। यह सूक्ष्म जीव है,
इसका जो है कोई आकार नहीं है, अचानक यह इसके जो है यह भाग यहाँ से अगर टूट जाता है तो नए अमीबा का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। दूसरा है जीवाणु द्वारा, दूसरा क्या है? जीवाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। इसमें जो है बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे जीवाणु, जैसे जीवाणु, यह जीवाणु है, इसके अंदर क्या है? गुणसूत्र है। यह जीवाणु जो है विखंडित होकर के एक से दो जीवाणु बना लेता है, फिर यह विखंडित होकर के दो से चार जीवाणु बना लेता है। इस तरह से यह जो है विखंडित होते रहते हैं और उनकी संख्या जो है बढ़ती रहती है। तो ऐसा विखंडन जो है, बीजाणु द्वारा विखंडन जो है हमको जीवाणुओं में देखने को मिलता है। अगला है कलिकोत्पादन, कलिकोत्पादन। कलिकोत्पादन कलिकोत्पादन द्वारा नए पौधे का विकास, कलिकोत्पादन द्वारा नए पौधों का विकास कैसे होता है? कली द्वारा, यह जो है कलिकोत इष्ट, इष्ट में जो है कलिकोत्पादन द्वारा विखंडन होता है। अगला है लैंगिक जनन, अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? पुष्प में चार भाग होते हैं, पहला वाह्य दल, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। पुष्प का जो पुमंग होता है पुंकेसर जिसको बोलते हैं, और जायांग को स्त्री केसर बोलते हैं, इसको हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं, पुंकेसर। और यह क्या है? जायांग को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो यह जो है पुंकेसर, स्त्री केसर। तो प्रजनन क्रिया में जो है यह दो ही अंग भाग लेते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। आइए हम जाने कि जो है पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि जो है पौधे में दो ठो ऑर्गन्स हैं जो भाग लेते हैं, और भाग ले करके प्रजनन क्रिया संपन्न करते हैं। हम चित्र बना दें भाई, बहुत विद्वान लोग। पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है? इसमें दो भाग लेते हैं, यह एक पुष्प का हम जो है नर भाग है और यह मादा भाग बीजांड है। यह जो पुंकेसर है जब मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, ओवरी और ये वर्तिकाग्र जब एडल्ट हो जाता है तब उनको प्रजनन करने का समय होता है,
और यह पुंकेसर जो है उस समय यह टूट करके इसके वर्तिकाग्र, यह वर्तिकाग्र है, इसके वर्तिकाग्र पर आ जाता है और वर्तिकाग्र पर आ जाने के पश्चात जो है निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। यह अंडाशय यहाँ से आता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा है यह, और यह आ करके यहाँ पर जो बीजांड है इस बीजांड से जा करके मिलता है और क्या होती है यह क्रिया जो है प्रजनन क्रिया यहाँ पर होती है और हो करके फिर इनमें चेंजिंग क्या होते हैं, पुष्प में वाह दलपुंज झड़ जाते हैं, दलपुंज झड़ जाते हैं, पुंकेसर झड़ जाता है, कौन बचता है, अंडाशय बचता है और वही अंडाशय जो है विकसित हो करके फल का निर्माण करता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, पौधों तथा जंतुओं में जनन, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं पौधों में जनन। तो हमने पढ़ा पौधों में तीन प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, आप लोग समझे होंगे। दूसरा जो है हम लैंगिक जनन के बारे में बताए, जो अभी आप लोग समझे होंगे। अगली वीडियो में हम अब पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। धन्यवाद।